हां जी भाई लोग, क्या हाल है आपके। और नई वाली कैंपिंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी अभी मैं आ चुका हूं आपका कैंपिंग वाली लोकेशन में। तो भाई आज की कैंपिंग होने वाली है हमारी डे कैंपिंग। तो भाई बहुत मजा आने वाला है इस कैंपिंग में हमको। और भाई लोकेशन देखो कुछ इस तरीके की है भाई, चारों तरफ यहाँ पे पेड़ ही पेड़ है और यहाँ पे मैंने टेंट लगा दिया है। और मेरे साथ में आया हो भाई हर्षु भाई, देखो टेंट के अंदर बैठ गया भाई, कह रहा है गर्मी लग रही है बहुत। मैंने टेंट लगाया तो भाई हालत हो गई थी खराब टेंट लगाते लगाते। लोकेशन ना भाई काफी शांत लोकेशन है और ये लोकेशन मेरे को ना बहुत पहले से पसंद थी। मतलब मैं सोचता था भाई यहाँ पे कैंपिंग करूंगा, लेकिन आज फाइनली मैं आ चुका हूँ ये वाली लोकेशन में। तो भाई देखो ना चारों तरफ भाई पेड़ ही पेड़ है, मस्त लग रहा है एकदम। तो बाकी दोस्तों इस टेंट में होने वाली है तुम्हारे निक्कू भाई की फर्स्ट कैंपिंग। तो आज पहली कैंपिंग इस टेंट से होने वाली है, शुरुआत होने वाली है भाई इससे। बोलो राधे राधे। आता था ना इतनी गर्मी लग गई भाई, टेंट भी लगाया पसीने छूट रहे यार। पानी वानी पीते हैं, रिलैक्स वगैरह होते हैं और उसके बाद जो भी अपने खाने पीने की व्यवस्था है वो सब बनाते हैं, भाई को खिलाते हैं आज अपने हाथ की डिश। बाकी मैंने टेंट के अंदर ना भाई मैट वगैरह भी बिछा दी है कुछ इस तरीके से, बाकी सामान ये पड़ा हुआ है अपना। कभी भाई पहली बार यूज होने वाले हैं तो फटाफट मैं यहाँ पे डालता हूँ दोनों भाइयों के लिए कोल्ड ड्रिंक। और से बेटे मेरे को बिल्कुल नहीं पता क्या ये स्प्राइट सही है। अब वहाँ पे कुछ था ही नहीं, अभी माजा था वो और लिमका था, क्या पिएगा माजा लिमका पीता। माउंटेन ड्यू था, माउंटेन ड्यू नहीं पसंद यार भाई, वो भी ड्यू भी बता रहे ड्यू से तो ये सही है। दोस्तों अब मैं काटता हूँ यहाँ पे फटाफट से प्याज वगैरह। तो दोस्तों मैंने फाइनली अपना खाने पीने का जितना कुछ था आइटम बनाने का भाई जो काटना कूटना था सब काट के रेडी कर दिया है भाई। ये रहा अपना पनीर और ये रही अपनी शिमला मिर्च और वो रहा भाई टमाटर और ये रहा प्याज। तो फटाफट फटाफट करते हैं, बाकी भाई को भूख लग गई यार। हाँ फिर बहुत मेहनत का काम है भाई, देखने में बहुत ईजी है। थक गया ऐसे होता भाई, एक ही दिन में थक गया। चलते हैं टेंट के अंदर क्योंकि भाई बाहर तो हवा चल रही है हल्की हल्की, टेंट के अंदर ही करेंगे। और इसको इतनी भूख लग गई भाई, कच्चा पनीर खा रहा, मत खा यार कच्चा पनीर। चलते हैं तो अब अंदर ही बनाने वाला हूँ फिर, क्योंकि बाहर भाई धूप भी पड़ी है और हवा भी चल रही है भाई। ये काटा हुआ था मैंने आपका पनीर, ठीक है इसको इसमें डालेंगे क्योंकि भाई यहाँ पे इसके ऊपर जो है ना भाई चॉपिंग बोर्ड के ऊपर जो है गैस रखूंगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं चिल्ली पनीर, तो फटाफट उसका प्रोसेस करते हैं आगे का भाई। सबसे पहले मैं डालता हूँ इस पे ऑयल, ठीक है। बस 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 अबे वो तलूंगा ना पनीर। तो भाई अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपका पनीर फ्राई। मैंने ना बिना फ्राई करे भाई पिछली बार पनीर डाल दिया था, तो अब की बार भाई कुछ अलग तरीके से बना रहा हूँ। पहले कर रहा हूँ पनीर को भाई ऑयल में फ्राई। तो बाकी यार भाई आज ना काफी मजा आ रहा है भाई। बाहर का व्यू दिखा दो, बाहर का व्यू दिखा दो। हाँ बाहर का व्यू दिखा दो।
डे कैंपिंग होने वाली है, लेकिन भाई सुकून जो है ना इस जगह में, यहाँ पे कोई है नहीं अगल बगल और यहाँ पे बहुत शांति है भाई, क्या मस्त लग रहा है यार। और अभी हम लोग हैं बिनसर वाले जंगल के बीचों बीच। इसको निकाल, इसका मतलब तो इसको निकालते हैं फटाफट। और भाई हमारे पास बर्तन है नहीं कुछ, ठीक है, तो हमको इसी में थाली में ही निकालना पड़ेगा जिसमें आपका प्याज टमाटर है। तो पनीर वगैरह अपना फ्राई हो चुके हैं और मैं डाल रहा हूँ अभी इसमें भाई प्याज सबसे पहले। पूरी तरीके से इसको भाई ब्राउनी नहीं होने देना है, हल्का हल्का ही चल जाएगा। इसमें देख सकते हैं आप लोग भाई काफी हो चुका है। अब इसमें मिक्स कर देंगे आपका शिमला मिर्च। भाई यहाँ पे टेंट के अंदर होने लग गई है कुछ तगड़ी सी गर्मी टाइप। ओके तो अब मिक्स करता हूँ इसमें पनीर मसाला। देख बस तो मत बोलना, ये रहे अपने घर वाले मसाले। बस और अब मैं इसमें मिक्स करूंगा हल्का सा पानी, ज्यादा नहीं हल्का सा, ठीक है। बस काफी है। तो भाई अब कर देता हूँ मैं इसमें नमक ऐड, अपने स्वाद अनुसार आप लोगों को भी ऐड कर लेना है कुछ। तो पहले ना मैं कम ही डालूंगा क्योंकि भाई ज्यादा हो जाए, कम हो जाएगा तो फिर हम डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा हो जाए तो जब तो कह रहा हूँ बस बस बस। पनीर को भी ऐड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ओके तो अब इसको हम कुछ इस तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। पकड़ के ला उसको, गिर रहे हो। तो दोस्तों फाइनली अपना चिल्ली पनीर का रिजल्ट ये रहा भाई, ये एकदम रेडी। तो भाई कुछ इस तरीके से बनाए तुम्हारे भाई ने, देखो भाई पानी आ रहा होगा ना मुंह में। तो अभी ये भाई काफी गर्म हो रहा है ना, हम लोग यहाँ पे बाहर पे आ चुके हैं, मैट में बैठे हुए हैं। तो बाकी ये थाली रखी हुई है, इस पे हम डालेंगे दोनों भाई, खाएंगे मस्त से। बाकी भाई टेंट के अंदर ना काफी ज्यादा गर्म हो चुका था यार, इसलिए हमने सोचा भाई बाहर आए और बाहर पे खाएं। तो मस्त से तुम्हारे भाई ने बना दिया, और फटाफट डालते हैं, भाई को लग गई भूख यार। बस बस जंगल वाला सा जाने देर का पेट भर चुका है। और अब यहाँ पे बारी है भाई बर्तन साफ करने की। देखो बर्तन यहाँ इतने सारे रखे, तो फटाफट इनको साफ कर देता हूँ। दाल पानी है बहुत है। दोस्तों इसी के साथ मैंने कर लिया अपना सारा सामान पैक, और अभी टाइम हो चुका है आपका शाम के, बज चुके हैं 5:30। मौसम भी ना बारिश वाला हो रहा है, और ये लोकेशन देख लो भाई क्या मस्त जगह है यार, है ना। बाकी भाई को तो मजा आ गया यार यहाँ के, कहाँ रील बनाने, ठीक। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों की ना वार्तालाप काफी सारी हो चुकी है, और टाइम हो चुका है आपका शाम के, बज चुके हैं 6:30, और हम लोगों को यहाँ से ना काफी दूर जाना है भाई। यहाँ से अपना घर है 8 से 9 किलोमीटर दूर। तो फटाफट फटाफट चलते हैं, और बारिश का भी मौसम हो रहा है दोस्तों,